कैसे हैं आप सब? और ऐसे ही हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो मेरी तो तबीयत ठीक हो गई है, बस थोड़ा सा ही ठीक हुई हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बना लूँ और कुछ दिखा दूँ आपको। जैसे कि मैं अपनी शॉपिंग हो या कोई भी चीज़ हो, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मेरी तबीयत क्या, वही जो मौसम नहीं चेंज हो रहा है ना, सर्दी जुखाम ये सब हो गया था। शायद आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी लगती होगी, बट थोड़ा ठीक हो गई हूँ मैं। बस आवाज़ में ही थोड़ा सा है, बस और तो ठीक हूँ। तो मैंने सोचा आपसे बातें कर लूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं और वीडियो में नहीं बना पा रही थी। वीडियो काफ़ी दिन हो गए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बहुत काम हो जाता है और सर्दियों में तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पाता है। दिन छोटे होते हैं और सर्दियां भी बहुत होती हैं, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता, काम ही करते करते शाम हो जाती है। तो मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रही थी, आप तक नहीं पहुँचा पा रही थी। तो काफ़ी लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि आपके वीडियो का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, कर रही हूँ मैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक छोटा सा ये वीडियो बना दूँ आपके लिए। तो आप जानते हैं कि सर्दियां चल खत्म हो रही हैं धीरे धीरे, वो सुकून मिला है, वो इतना अच्छा लग रहा है। बस ज़्यादा गर्मी ना आए तो नहीं, ज़्यादा गर्मियां भी नहीं अच्छी लगती हैं और ज़्यादा सर्दियां भी नहीं अच्छी लगती हैं। तो दिन थोड़ा सा बड़ा होने लगा है, आपको भी लगता होगा ना, थोड़ा सा दिन बड़ा होने लगा है पहले से। तो थोड़ा सा टाइम भी मिल जाता है और थोड़ा सा ठंडक भी कम हो गई है। दोपहर में तो बिल्कुल भी ठंडक नहीं है, तो थोड़ा सा सजने और संवरने का भी टाइम मिल जाता है। तो आज मैंने साड़ी पहनी है। साड़ी मैंने इसलिए पहनी है क्योंकि सर्दियां चली गई हैं। सर्दियों में बिल्कुल भी मतलब कहीं ना जाने का मन करता है, ना कोई अच्छे से कपड़े पहनने का भी मन करता है, क्योंकि इतनी ठंडक रहती है, क्या पहने मन ही नहीं करता। बस जो पहने रहो बस वही पहने रहो। तो साड़ी मैंने इसलिए पहन ली क्योंकि बस ये रखी रह जाएंगी। तो अब क्योंकि कहीं जाना भी नहीं रहता है, साड़ियाँ वैसे की वैसे ही रखी रह जाएंगी, तो मैंने पहन लिया है। और आप लोग भी अच्छे होंगे, और इतने समय सब वैलेंटाइन डे आने वाला है, मतलब कल ही है, तो आप समझते होंगे। तो हम लोगों के यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कोई वैलेंटाइन डे हम लोग नहीं मनाते हैं, क्योंकि हम लोगों के टाइम पर ऐसा कुछ था ही नहीं कि शुरू से वही आदत पड़ी हो। बस अब कुछ ज़्यादा होने लगा है, वैलेंटाइन डे का कुछ ज़्यादा ही महत्व होने लगा है। पर अब की बार पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड मेरे लिए कुछ लेके आए हैं वैलेंटाइन डे पे, तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि वैसे वो कुछ नहीं लाते हैं मेरे लिए कभी भी। और क्योंकि लाने को तो वो ले आएंगे, हर एक चीज़ लाते हैं। एक बार वो हमारे लिए साड़ियाँ भी लाए हैं, सब कुछ लाए हैं। नहीं है कि घर में अगर कोई चीज़ अपने हस्बैंड लेके आए हैं, नहीं ये कलर हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, ये कलर नहीं अच्छा लग रहा है, डिज़ाइन कैसे लेके आ गए हैं आप, और अच्छी नहीं ला सकते थे। तो इसलिए वो कहते हैं कि अपनी ही पसंद का भाई खरीदो, मैं पैसा दे दूंगा, तुम अपनी पसंद का ही मार्केट में खरीद लो। तो मैं भी अपनी ही पसंद के ही कपड़े पहनती हूँ, मुझे लेकिन अच्छा लगता है जब वो अपने आप कोई चीज़ लेके आते हैं। वो खुशी जो मिलती है ना, सच में बहुत अच्छा लगता है। चाहे वो भले ही कलर कम अच्छा हो, डिज़ाइन कम अच्छी हो, पर वो जो खुशी मिलती है ना तब देखने की कि अपनी पसंद का लेके आए हैं, वो बहुत अच्छा लगता है हमें। तो वही मेरे हस्बैंड ने आज किया है। तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए क्या लेके आए हैं, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दें, आपको दिखा दूं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और अच्छा लगे तो शेयर कर देना फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। प्लीज़, आप लोग भूल जाते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना प्लीज़। भूला ना करें। चलो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे हस्बैंड मेरे लिए क्या लेके आए हैं। तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए ये लेके आए हैं, ये कितना प्यारा सा पौधा है और इतने प्यारे फूल हैं इसके, देखिए। सच में ये जो ये वाला गिफ्ट ना मेरे दिल को छू गया, कसम से मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार अगर वो साड़ी लाते ना तो शायद मैं थोड़ा सा कहती
कि नहीं ये डिजाइन नहीं अच्छी लग रही, ये कलर नहीं अच्छा लग रहा है, बट ये लेके आए ना तो सच में इसके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि जो प्लांट है ना ये हमारे फेवरेट हैं और हमें बहुत बहुत ही पसंद है। पेड़ पौधे लगाना, अपने घर को सजाना बहुत अच्छा लगता है सच में, और पहली बार उन्होंने ऐसा काम किया है। सो ये लेके आए हैं सच में। मैं तो हमेशा कहूँगी कि आप हमें हर एक दिन, हर एक जन्मदिन पर, हर एक चीज़ में आप मुझे सब कुछ तो दो, लेकिन इसके साथ में फ्लावर जरूर देना। बोलो, ये तो मैं नहीं कहूंगी कि मुझको साड़ी नहीं चाहिए, मुझको वो नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। अगर ऐसा कुछ कह देना तो जो साड़ी मिलती है वो भी कटे, सस्ते में ही काम नहीं पड़ जाए। नहीं, ये मुझे बहुत पसंद आया। बट अगर आपको, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, अगर आपको इस पौधे का नाम पता हो, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि मैं लेने भी नहीं गई थी, नहीं तो आप पूछ भी लेती। बट हस्बैंड लेके आए हैं, इसका नाम भी नहीं वो पूछ के आए हैं वहाँ पे, बट उनको भी बहुत अच्छा लगा इसलिए ले आए। पता नहीं क्या सोच के अब की बार ये ले आए, लेकिन बहुत खूबसूरत है सच में, बहुत प्यारा है, तो बहुत अच्छा है। अच्छा है ना, आप भी बताइएगा, और बट जरूर बताइएगा, इसका नाम जरूर बता देना प्लीज़, क्योंकि मुझे भी पता हो ना, कुछ पौधों के नाम नहीं पता है, या फिर कुछ हमारी फ्रेंड है जो पेड़ पौधों के, मतलब प्लांट के विषय में बताती हैं, जानकारियाँ देती हैं, तो वो उनको पता होगा ये पौधे, या फिर और किसी को भी पता हो इसका, इस पौधे का नाम, तो वो भी बताइएगा। छोटे छोटे फ्लावर हैं, आप देख सकते हैं कितना प्यारा पौधा है, सच में इतना प्यारा है कि आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे दिल को छू गया। और अभी काफ़ी समय हो गया, मैं अपने पेड़ पौधों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, जरूर ध्यान दूंगी, क्योंकि सर्दियों में मिट्टी छूने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था, और ठंडक लगती थी, और काम से छुट्टी, मतलब काम से, काम करने से कोई मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता था, इतना काम ही था घर में कि टाइम ही नहीं मिल पाता था। अब मैं अपने पेड़ पौधों को कुछ सही करना चाहती हूँ, उनकी मिट्टियों को अच्छे से सही करूँगी, कुछ साफ सफाई भी पौधों की करूँगी, तो यही सब करती रहूँगी, यही सब काम है। तो ये फ्लावर कैसा लगा आप लोग जरूर बताना कमेंट करके, मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही खूबसूरत है। मैंने तो सोचा कि और दो तीन और ले आते, बहुत ही अच्छा है, तो इसको मैं बड़े वाले पॉट में लगाऊंगी, क्योंकि ये काफ़ी दिन तक फिर चलेगा। तो मैंने उनसे बोला है कि बहुत खूबसूरत फ्लावर लेके आए हो मेरे लिए, सच में मेरे दिल को छू गया ये पौधा, और बहुत ही प्यारा है। सिस्टर भी आ गई है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया है, वो भी जानती हो मेरी सिस्टर से आपको मिलवाऊंगी बहुत जल्द, बट वो अभी कह रही थी अभी नहीं आऊँगी दीदी आपके वीडियो में, क्योंकि मैं अगर बोलती भी हूँ कि सब्सक्राइब करने के लिए, आपको सब्सक्राइब नहीं करता है, और कितने महीने हो गए हैं ना, और बहुत ज़्यादा महीने, 6-7 महीने हो गए हैं मुझे यूट्यूब चलाते चलाते, तो अपनी खुशी के लिए चलाती हूँ, बट ये खुशी तो इसी में मिलती है ना, जैसे सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़ गए या फिर व्यूज़ आने लगे हैं, तो थोड़ी सी खुशी, यही खुशी होती है, और जो थोड़ा सा समय मिलता है, इतनी मेहनत नहीं लगती है, कि जब इतनी मेहनत करती हूँ एक वीडियो बनाने में, तो उसका थोड़ा सा तो फल मिलना चाहिए ना। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, और मेरे वीडियो वीडियो अगर आपको अच्छे लगें तो उसको शेयर भी कर दिया करें। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, और मैं आपसे विदा ले लेती हूँ, और मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देती हूँ, क्योंकि आप भी कह रहे होंगे ना बहुत बड़े हो जाते हैं इनके वीडियो, तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ, और आपसे मिलती हूँ अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।